प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से भक्तमती जनाबाई की कथा सुनाएंगे। भक्तमती जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी बन गए थे, वैसे ही भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उसकी भगवान नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम का निरंतर स्मरण करने लगे। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा, त्यों त्यों उनके सारे पाप पुंज जलने लगे और प्रेम का अंकुर पल्वित होकर धनर्वच्छ के रूप में परिणित होने लगा। उसकी जड़ साफ और फैलने लगी। एकादशी का दिन है, नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई है। रात के समय जागरण हो रहा है। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है तो कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त सब प्रेम में तन्मय है। किसी को तन मन की सुधि नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बाहर आए, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात बीत गई इस बात को किसी को ख्याल ही नहीं है। जना भाई भी एक कोने में खड़ी मत होकर झूम रही थी। इसी आनंद अमुदी में डूबे रात बहुत जल्दी बीत गई। उषा काल हो गया, लोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी, वे उसी में मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्योदय भगवान निकल आए, उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई, क्योंकि वो कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं उठती थी। उसने सोचा, मुझे बड़ी देर हो गई, मालिक के घर अभी झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलम्ब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा तो हो नहीं पाता था। दूसरे एक काम में विलम्ब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलम्ब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने, बर्तन मांजने और ना मालूम कितने काम हैं। सब कुछ काम निपटाकर वे जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी किनारे पहुँची। कपड़े धोने में अभी हाथ ही लगा था कि एक बहुत ज़रूरी काम हमको याद आ गया, जो इस समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतः वे नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचित वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जना से कहा, भाई जना, यूं घबराती हूँ, क्यों दौड़ रही हो, ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम करा, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं अभी आती हूँ लौट कर। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए का उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है, मैं सदा सभी के काम करती रहती हूँ, इससे मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन ना माने तो कभी भी तुम मेरे काम में सहायता कर देना बदले में। जनाबाई को घर पहुँचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में बहुत प्यार दुलार स्नेह टपक रहा था। वे कुछ बोल भी न सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था कि ये वृद्धा मामूली स्त्री नहीं, सच्चिदानंदमय जगत जननी है। वृद्धा ने बाद की बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए।
कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों को पहनने और लाने वालों का कर्म फल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी, धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय बड़े कृतज्ञता से भर गया। उसने माता से वृद्धा माता से कहा, माता आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम बहुत परोपकारिणी हो माता, तुम ईश्वर रूप हो। जना तुम ढूंढती है, ये वृद्धा ईश्वर स्वरूपणी नहीं सच्चात ईश्वर ही है। तेरे प्रेम बस भगवान ने वृद्धा का स्वांग सजा रखा है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जना भाई मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था, लो अपने कपड़े मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहाँ से चल दी। उसका हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था, उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही है। जना अपने कपड़े बटोरने लगी। इतने में उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया, उसका नाम पता तो पूछ लूँ जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी, जना ने चारों ओर देखा, चारों तरफ दौड़ी, सब तरफ ढूंढा रही, वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा। लगता भी कैसे, जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहाँ से कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुँची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते ना मालूम क्या जादू कर दिया, जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है, ये जादूगरनी थी भी बहुत निपुण। सत्संग का समय था, सत मंडली एकत्रित हो रही थी, संत मंडली। जना ने वहाँ पहुँचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहते कहते बताते बताते जना का गला गदगद कंठ हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय की लीला समझ गए और ही मन भगवान की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले जना बाई से, जना तू बड़ भाग्यवती है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वो तो सच्चात नारायण थी, जो तेरे प्रेम बस बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। ये सुनती जना बाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो जाता। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान की भक्त प्रति जना बाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। जना बाई चक्की पीसते समय भगवत प्रेम के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वो प्रेमावेश में शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते। भक्तमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जना संगे तलले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे इस प्रकार गाया है। महाराष्ट्र प्रांत में भक्तों में जना बाई का स्थान बहुत ही ऊंचा है। ये केवल सिर्फ नाम निष्ठा यानी कि नाम जब कीर्तन से ही भगवान की भक्ति जना बाई को मिली और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्तमाल कल्याण की ये जना बाई की कथा थी। भक्तों ये कथाएं बिल्कुल सच हैं। हम लोग भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं उनका निरंतर कीर्तन करने से, उनका नाम जप करने से। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नसाय तुम ओ निंदाय, नमो नमः। राधे 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 राधे।